संबल के भकरोली गांव में दुल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया तो गांव में शोर मच गया। लोग अचंभित होकर इस दृश्य को देखने आ रहे थे। लग रहा था कि मानो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, मगर इस दृश्य ने सभी का मन मोह लिया। ये नज़ारा इतना मनमोहक था कि हर किसी के मन में इसको देखने की लालसा रही। यही नहीं कि इस गाँव के लोगों को ये पहली बार देखने को मिला है। इसी परिवार से पहले भी बड़े बेटे की बहू को इसी तरह हेलीकॉप्टर से लाया गया था। दरअसल इस गांव के पेशे से मास्टर राम रहीस यादव के पुत्र राजकुमार की शादी 11 जुलाई को हुई और उसके दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर गांव लाए। यही नहीं, इस परिवार के बड़े बेटे की दुल्हन को भी इसी तरह गांव में लाया गया था। इस पर दुल्हा और दुल्हन ने क्या कहा सुनिए। बहुत अच्छे मैच करे क्या? हाँ, पापा की बड़े भाई की मैंने बीटीसी कर ली आपने तो वो बीएड कर ली। तो दोनों आप शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहेंगे? हाँ। अच्छा, तो आप दोनों ही एजुकेटेड हैं? हाँ। और जो आज आप उड़न खटोले से दुल्हन लेके आई, आपकी पहले से प्लानिंग थी? हाँ, पापा जी की। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद मतलब आसमान में उड़ी हूँ। मुझे खुद अपने आप में विश्वास नहीं होता था कि मतलब मैं उड़ सकती हूँ या फिर मतलब ऊंचाई से साफ ज़मीन को देख सकती हूँ। ये मेरा बी एड हुआ उनका कदर किया टेट को। शौकीन मिजाज मास्टर राम रहीस का परिवार इस गांव में काफी रसूख वाला माना जाता है। उनकी पत्नी प्रधान और राजनीतिक हलके में इस परिवार का असर रहता है। इधर ससुराल पहुंची दुल्हन खुशी में बोली, हमें पता भी नहीं था हम उड़ सकते हैं। प्रिंस सोलंकी के साथ जनपद संबल से तेज निगाहें के लिए गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट।